हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, आपके पास NaCl का एक क्रिस्टल है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है दो बार। एक बार तो है जो क्रिस्टल आपके पास है उसकी डेंसिटी, एंड एक्सरे से जो डेंसिटी आनी चाहिए। एक्सरे से जो डेंसिटी आती है ना, मतलब टोटल डेंसिटी कितनी आनी चाहिए जब 100% स्पेस ऑक्यूपाइड है। मतलब एक्सपेरिमेंटली जब 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगी तब जो आपकी डेंसिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2.178 इंटू 10^3 केजीज पर मीटर की। क्लियर? एंड आपके पास जो असली में जो क्रिस्टल आपको दे रखा है उसकी डेंसिटी कितनी है, 2.165 इंटू 10^3 केजीज पर मीटर की। मतलब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट स्पेस अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालनी है या ये कहें पहले ऑक्यूपाइड स्पेस निकाल लेते हैं। ऑक्यूपाइड स्पेस कैसे निकलेगी, जो डेंसिटी आपको ऑब्जर्व हुई 2.165 इंटू 10^3 अपॉन होना कितना चाहिए था एक्चुअली जो 100% ऑक्यूपाइड थी। तो सिंपल सा देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर डेंसिटी होती आपकी 2.178 इंटू 10^3 तब तो 100% स्पेस ऑक्यूपाइड होती, 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होती। अगर डेंसिटी होती 1 kg/m³ तब कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होती, मैं आपको यूनिटरी मेथड से ही करा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। 2.178 इंटू 10^3 दिस मच परसेंट, एंड आपके पास डेंसिटी दे रखी है 2.165 इंटू 10^3। तो अगर इतनी डेंसिटी है तो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगी या कहें कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, मल्टीप्लाइड बाई 2.165 इंटू 10^3 दिस मच परसेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एंड ऑन सॉल्विंग इट विल बी 2.165 डिवाइडेड बाई 2.178 इंटू 100, तो 99.40% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड। तो एम्प्टी स्पेस कितनी है आपके पास, 0.6% अप्रॉक्स, ये अनऑक्यूपाइड स्पेस आई परसेंटेज वो भी। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में फर्क क्या होता है, अगर आपके पास फ्रैक्शन है एंड आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आती है। इस क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस। एंड फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, बेसिकली जो परसेंटेज वाला आंसर है उसको 100 से डिवाइड करके। तो परसेंटेज है हमारी 0.6/100, तो दिस विल बी 0.6 × 10^-2 अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10^-3 परसेंट स्पेस इज अनऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इज अनऑक्यूपाइड, 6 × 10^-3 अप्रॉक्स। तो डी पार्ट 6 × 10^-3 दिस मच फ्रैक्शन इज अनऑक्यूपाइड। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।